वंदे मातरम मित्रों, मैं अभय सिंह राव अनेक बातें चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली घंटी के बटन को दबाएं ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करते हैं जीवन दर्शन विविध विचार भाग 3। गुरु, संत, गुरु या आचार्य चेतना के जिस उन्नत स्तर पर जी रहे हैं या जीवन मुक्त अवस्था में रहते हुए प्रज्ञा प्रासाद पर आरूढ़ होकर ऋतंवरा प्रज्ञा से युक्त होकर जो हमें उपदेश दे रहे हैं, यदि जीवन चेतना के उसी स्तर से हम स्वयं को जोड़ देंगे तो हम भी वहीं बोलेंगे जो संत बोल रहे हैं और हमारा भी जीवन संतों की तरह पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाएगा। गुरु वह जो जगा दे, परम से मिला दे, दिशा बता दे, खोया हुआ दिला दे, पुकारना सिखा दे, आत्म परिचय करा दे, मार्ग दिखा दे, अंत में अपने जैसा बना दे। लेकिन याद रखना, गुरु मार्गदर्शक है, चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। किसी सूफी संत से किसी ने परिचय पूछा, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ रहते हो? उस संत ने उत्तर दिया, मौत को खाता हूँ, कफन ओढ़ता हूँ तथा कब्र में रहता हूँ। गुरु का दर्शन। गुरु या साधु संत के साथ मन, बुद्धि, वाणी, व्यवहार एवं संकल्प से एकाकार हो जाना तथा उन जैसी दिव्य चेतना के साथ जीवन को जीना ही उनका सच्चा दर्शन है। इसे ही कहते हैं साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। हाड़ मांस के इस देह के दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पुण्य मिलने वाला नहीं है। देह के भीतर देही को देखो। गुरु से संवाद। प्रत्येक प्रत्यक्ष या परोक्ष गुरुओं के ग्रंथों का स्वाध्याय करने का अर्थ है संबोधि को प्राप्त उन प्रत्यक्ष या परोक्ष गुरुओं के साथ सीधा संवाद। शास्त्र एवं गुरु के द्वारा लिखित शब्दों से एक एक दिव्य ध्वनि तुम्हें प्रतिध्वनित होगी और तुम्हें लगेगा शास्त्र एवं गुरु के शब्दों में उनका जीवन बोल रहा है। ऐसा स्वाध्याय हमारे जीवन को रूपांतरित करता है और हमें गुरुओं का प्रतिरूप बना देता है। धर्म। सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य ही सार्वभौमिक धर्म है। जो सार्वभौमिक व वैज्ञानिक मापदंडों पर खरा नहीं उतरता वह धर्म नहीं, ब्रह्म है। मैं धार्मिक हूँ, धर्मांध नहीं। मैं धर्म को धंधा व कर्म को गंदा नहीं बनाऊंगा। श्रेष्ठ आचरण का नाम ही धर्म है। धर्म मात्र प्रतीकात्मक नहीं, आचरणात्मक है। शिखा सूत्र व अन्य धार्मिक प्रतीकों के भी मूल में आचरण ही प्रधान है। आचारहीन प्रतीकात्मक धर्म से भ्रम या धर्मांधता पैदा होती है, अतः धार्मिक बने धर्मांध नहीं। मैं धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सेवा, संयम व सदाचार आदि जीवन का श्रेष्ठ आचरण ही धर्म है। वंदे मातरम, जय हिंद।